लॉकडाउन के दौरान भागलपुर के 3 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद जिले के सभी आला अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सील किए गए इलाकों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। वहीं मोजाहिदपुर, सिकंदरपुर, अलीगंज, बरारी, मिर्जानहाट, भिकनपुर सहित 3 किलोमीटर के दायरे को सील कर मजिस्ट्रेट और पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। लोहिया पुल, शीतलास्थान चौक, गुरट्ठा चौक और डिक्सन मोड़ के समीप चेक पोस्ट बनाया गया है। सभी चेक पोस्ट पर पुलिस और दंडाधिकारी 2400 घंटे तैनात हैं और हरेक आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस पदाधिकारी माइकिंग कर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष प्रमोद शाह, इसाकचक थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी संजय कुमार सुधांशु, बबरगंज थाना क्षेत्र में पवन कुमार सिंह और बरारी में थानाध्यक्ष नवनीश कुमार लगातार गश्ती कर रहे हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन में सभी इलाकों की दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया गया है। साथ ही गली मोहल्ले की सड़कों में बांस लगाकर आवाजाही बंद कर दी गई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए सिल्क टीवी भी आप सभी लोगों से घरों में रहने की अपील करती है। लॉकडाउन में सुनसान सड़कों पर वाहनों की रफ्तार काफी तेज हो गई है, जिसके कारण आए दिन सड़कों पर दुर्घटना हो रही है। शनिवार को भागलपुर के पर्वती चौक के समीप धोबी काली मंदिर के सामने दो बाइक सवार आपस में ही टकरा गए। दरअसल लॉकडाउन को लेकर धोबी काली मंदिर के समीप वाहनों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान दो बाइक सवार नाथनगर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे थे, जिसके बाद आगे चल रहा बाइक सवार पुलिस को देखकर वाहन की रफ्तार थोड़ी धीमी करता है। वहीं पीछे से आ रहा बाइक सवार पुलिस को चकमा देकर भागने में अपनी रफ्तार कम नहीं करता है। इसके बाद दोनों के बीच टक्कर हो जाती है। टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए, जिसे आनन फानन में ड्यूटी में तैनात एसआई मुकेश कुमार सिंह और जवानों ने उठाया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी में जा रहे दोनों व्यक्ति को जमकर फटकार लगाई और सड़क पर तीव्र गति से वाहन नहीं चलाने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। ड्यूटी में तैनात एसआई मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के बाद प्रतिदिन वह तेज रफ्तार की कहर से परेशान है। पवित्र माह रमजान की शुरुआत हो चुकी है। माह रमजान का पहला रोजा शनिवार को रखा गया। लॉकडाउन के कारण सभी लोगों ने अपने अपने घरों में ही पंचगाना नवाज अदा की और दिन भर रब की इबादत करते रहे। वहीं रमजान को लेकर भागलपुर खानका शहबाजिया और खानका पीर दमड़िया की ओर से सरकारी दिशा निर्देश का लोगों से पालन करने की अपील की गई है। इधर लॉकडाउन के कारण ततारपुर इलाके में लगने वाली सभी दुकानें बंद हैं और बंदी की मार दुकानदारों को झेलनी पड़ रही है। कई वर्षों से ततारपुर बाजार में फल बेचने वाले एक दुकानदार ने बताया कि हर साल माह रमजान में फलों की काफ़ी बिक्री होती थी, लेकिन इस बार रोजेदार लॉकडाउन के कारण सड़क पर फल खरीदने नहीं आ रहे हैं। बिक्री तो जीरो है एकदम समझ लिए कि, और दूसरा बात है कि जब से लॉकडाउन हुआ है समझ लिए भुखमरी का आलम है। सामान रह के भी सामान सब खराब हो गया, सौदा रोज सड़ा रोज फेंक रहे हैं, क्या करें, भुखमरी का आलम है। और सामान महाजन देने से इनकार कर रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए भागलपुर की संस्था केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ जीआरपी, आरपीएफ एवं जिला प्रशासन के सहयोग से कोरोना से बचाव को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। इस दौरान कजरेली थाना में पुलिस जवानों के बीच मास्क, सैनिटाइजर एवं हैंड ग्लव्स का वितरण थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में किया गया। वितरण के दौरान नुसरत वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान महासचिव मौलाना जाहिद हलीमी कासमी भी मौजूद थे। संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान एवं मौलाना कासमी ने संयुक्त रूप से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव से संबंधित जानकारी पुलिस कर्मियों को दी और कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करके कोरोना महामारी को हराया जा सकता है। मौलाना कासमी ने कहा कि संघ की ओर से देश भर में नशाखुरानी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो पूरी तरह से निस्वार्थ और निशुल्क है। उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से किया जा रहा प्रयास काफी सराहनीय है। मौके पर मोहम्मद मिनहाज आलम, सुमित अग्रवाल, रकीब आलम, अर्पित जालान समेत कई लोग मौजूद थे। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि केंद्र रेलवे रेल यात्री संघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो विष्णु खतान जी, ये पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं जी। ये सिर्फ बिहार के लेवल पे नहीं है जी। ये रेलवे में हो या और भी कोई सामाजिक काम में लगे रहते हैं। अभी मुस्तकिल ये पूरे भागलपुर, मुंगेर और भी जमालपुर और दूसरी जगह पर जाकर ये दवाई तक पहुँचवाते हैं, मास्क और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हों तो पहुँचाते हैं। सद ने से मैंने रिक्वेस्ट किया, कहा कि इस तरह हम चाहते हैं कि अपने गांव सिमरिया में भी इस तरह का दिया जाए मास्क, तो आप आए, थाना कजरेली गए, वहाँ भारी मात्रा में वहाँ भी दिया
और फिर बस्ती में आके सिमरिया जो बहुत बड़ी बस्ती है यहाँ पर आकर के इन्होंने खूब बढ़िया से बांटा और बहुत लोग खुश हुए। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास सहायक थाना प्रभारी सुनील कुमार झा ने गुप्त सूचना के आधार पर हनुमत राइस मिल एवं अंशराज ट्रेडर्स के गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जगदीशपुर गोराडी सुल्तानगंज के एमओ एवं एडीएस ने मिल एवं गोदाम में रखे अनाज की जांच की। दरअसल पुलिस को मिल एवं गोदाम में एफसीआई का चावल होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर अधिकारियों की मौजूदगी में छापेमारी कर हनुमत राइस मिल एवं प्रेमचंद्र शाह के गोदाम को सील कर दिया गया। हालांकि बाद में जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव, जिला प्रबंधक गुलाब हुसैन एवं एडीएसओ अमरेश कुमार की मौजूदगी में जांच के बाद हनुमत राइस मिल को मुक्त कर दिया गया, जबकि प्रेमचंद्र शाह के सील किए गए गोदाम में रखा चावल को जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि प्रेमचंद्र शाह के पास से अनाज से संबंधित कोई ब्यौरा नहीं मिला। गौरतलब हो कि इसके पूर्व वर्ष 2016 एवं 2018 में भी प्रेमचंद्र शाह पर केस हो चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के बीच हजारों परिवार के लिए विजय यादव किसी फरिश्ते से कम नहीं है। नाथनगर के विजय यादव लगातार पिछले कई दिनों से गरीबों और जरूरतमंदों के बीच राशन वितरण के साथ साथ कई गांवों में घूम घूम कर सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं। लॉकडाउन में एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ विजय यादव पूरी लगन एवं निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन लोगों के बीच जा जाकर उनकी फरियाद सुनते हैं और मदद भी करते हैं। युवा समाज सेवी विजय यादव आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना से जारी जंग में सरकार के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कोरोना जैसी भयानक महामारी के बीच डॉक्टर अशोक कुमार आलोक दिहाड़ी मजदूरों, जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। लॉकडाउन में किसी गरीब को कोई तकलीफ ना हो, इसी मुहिम के साथ भागलपुर के लाल डॉक्टर अशोक कुमार आलोक निरंतर जन सेवा में लगे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर सैनिटाइजेशन एवं राशन मुहैया करा रहे हैं। पैसे की कमी हो या राशन की, भागलपुर का लाल अशोक कुमार आलोक संकट की इस घड़ी में निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों के बीच खड़ा है। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक आम जनों से अपील करते हैं कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एचआई फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट चंपा नगर भागलपुर। बांका जिले में 3 दिन के अंदर 2 कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि होने के बाद शनिवार को जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। डीएम ने कहा कि बांका में 2 पॉजिटिव केस मिलने से सतर्कता और बढ़ा दी गई है। साथ ही कहा कि बांका से सटे मुंगेर जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में स्क्रीनिंग और जाँच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे कर रही है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने कहा कि दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज मुंबई से आए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से हॉटस्पॉट को सील करने का काम किया जा रहा है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि बाइक पर एक से अधिक लोग नहीं बैठेंगे। बाहर से आने वालों के साथ अब सभी की स्क्रीनिंग होगी, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सके। साथ ही कहा कि कोई ये नहीं समझे कि उनके क्षेत्र में कोरोना का मामला नहीं आ सकता है, एवं एसपी ने जिले वासियों से लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने की बात कही।
कोरोना महामारी को लेकर नवगछिया मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे कोरोना संदिग्धों ने ठीक से भोजन नहीं मिलने की शिकायत की है। लोगों ने कहा कि पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण कई लोगों को भूखे या चूड़ा खाकर रहना पड़ा। क्वारंटाइन सेंटर में पानी की समस्या हो रही है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संदिग्धों या जरूरतमंदों को पर्याप्त मात्रा में भोजन एवं सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर जब नवगछिया SDO मुकेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि BDO के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में भोजन की व्यवस्था की जाती है और संदिग्धों की संख्या का सही पता नहीं चलने के कारण परेशानी आई। उन्होंने कहा कि सेंटर पर 3 टाइम लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही कहा कि इसके बावजूद लोगों को कोई समस्या होगी तो इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब हो कि MAM कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर में 54 संदिग्धों को सैंपल लेकर रखा गया है। लॉकडाउन में गरीबों को हो रही परेशानी को लेकर भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा काफी चिंतित दिख रहे हैं। शनिवार को विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से पत्र लिखकर बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को अनाज देने की मांग की। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी संबंधित पदाधिकारी कार्य में अनावश्यक विलंब कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान नगर विधायक अजीत शर्मा ने बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने, सफाई मजदूरों को सुरक्षात्मक किट नहीं देने और मायागंज अस्पताल की अव्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन समस्याओं के निवारण के लिए आग्रह किया। सरकार के द्वारा आदेश मिला कि जो राशन कार्ड को नहीं देखना है, जो सचमुच जरूरतमंद हैं, जिनके पास भोजन नहीं है और जो गरीब लोग हैं, उनको चिन्हित करना है और चिन्हित करके ऑनलाइन नगर निगम के द्वारा सरकार को भेजना है। गांव में भी जीविका लोग कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन करके सरकार को जाना है। लेकिन बार बार फॉर्मेट में फेरबदल, अभी तक आज सुबह 10 बजे तक एक भी जो सर्वे हुआ है, चिन्हित हुए हैं, उनको अभी तक कोई अपलोड नहीं हुआ है कंप्यूटर में और सरकार के पास नहीं जा सका है। विचित्र बात है कि वहां पर बैठे सरकार के पदाधिकारी क्यों बार बार फेरबदल कर रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि गरीबों को अनाज नहीं मिले? मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि बार बार ऐसे बदलने से सरकार का, सभी विधायकों का विश्वास जनता के बीच खत्म होते जा रहा है। भागलपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों को मास्क, ग्लव्स और किट नहीं मिलने से खफा पार्षद ने नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली पर जमकर भड़ास निकाला। शनिवार को वार्ड नंबर 21 के पार्षद संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बीच सफाईकर्मी जान जोखिम में डालकर शहर की सफाई कर रहे हैं, लेकिन निगम इन कर्मियों के प्रति लापरवाह रवैया अपनाए हुआ है। पार्षद संजय कुमार सिन्हा ने नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी और उप नगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए। नगर निगम के द्वारा जो लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, वह बार बार आता है और एक फॉर्म के आधार पर हम लोग उसका भर देते हैं, लेकिन फिर सूचना आती है कि फॉर्म में कुछ फेरबदल हुआ है, अब पूरा डिटेल चाहिए और आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए। हम लोग 2 दिन से परेशान हैं, लेकिन आज जो जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी भी ऑनलाइन नहीं हो रहा है, या मजाक लोगों के साथ, जो गरीब लोगों के साथ नगर निगम कर रहा है, वह एकदम अन्याय है। साथ ही साथ एक बात और कहना है कि आज भागलपुर फिर कोरोना के रोगों से ग्रसित हो चुका है दक्षिणी क्षेत्र, लेकिन नगर निगम के सफाई कर्मचारी जो दिन रात शहर को साफ करने में लगे हैं, ना उनको कोई किट की व्यवस्था है, ना मास्क की व्यवस्था है, और लेकिन यहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारी मास्क लगा के घूम रहे हैं, जो सड़क पर, नाला में, रोड से मरे हुए जानवरों को उठाकर फेंकने का काम करता है, उस पर कोई आदमी सुध नहीं ले रहा है। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिष्ठान बंद किए जाने के बाद लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सील किए गए इलाके की 3 किलोमीटर परिधि में किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को गैस की किल्लत होने लगी है। KC गैस के प्रोप्राइटर संजय कुमार ने बताया कि चारों तरफ बैरिकेटिंग रहने के कारण उपभोक्ताओं के बीच LPG की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और इस क्षेत्र में मतलब लॉकडाउन के कारण जो कोरोना पॉजिटिव सिकंदरपुर में पाया गया है, इसके चलते चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दिया गया है।
जिसके वजह से डिलीवरी बिल्कुल बंद है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, इवन कि एलपीजी गाड़ी को भी रोक दिया गया है। अलीगंज में भी मेरा गाड़ी रुका हुआ है, कोई डिलीवरी आज नहीं हो पाई है। मालवाड़ी युवा मंच नाथनगर द्वारा संचालित अपनी रसोई में शनिवार को लगभग 1500 जरूरतमंद परिवारों के बीच भोजन वितरण किया गया। नाथनगर जिला परिषद सदस्य सह राजद नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक के नेतृत्व में संचालित अपनी रसोई में लगातार पिछले 10 दिनों से जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन कराया जा रहा है। अपनी रसोई में सहयोग राशि देने वाले स्थानीय लोगों को डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भोजन वितरण के दौरान सभी को इस भयानक महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया जाता है एवं भोजन तैयार करने के दौरान संस्था के सदस्यों द्वारा साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। मौके पर संजय अग्रवाल, चंदन कुमार यादव, विक्रम यादव, राजू महाराणा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाराहाट पीरपैती के नेतृत्व में लगातार सातवें दिन प्यालपुर, गोराडी, संथाली टोला, मुसहर टोला में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के बीच भोजन, मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष परमानंद केजरीवाल ने बताया कि राहत सामग्री वितरण के साथ लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए जागरूक भी किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सभी को अपने अनुसार जनसेवा करना चाहिए जिससे कोई भी गरीब भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन तक संस्था की ओर से निरंतर खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। इस दौरान विक्की केजरीवाल, चंदन राज, नवरतन ठाकुर, पीयूष संथालिया समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने अपने घरों में ही समय बिता रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस से बचाव को लेकर भागलपुर के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुल रहमान ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। साथ ही माइक्रोसर्जन डॉक्टर रहमान ने कहा कि कोरोना वायरस से लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से लोगों को लिए एक विनम्र अपील होगी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन इतनी डरने की भी बात नहीं है। जितने लोग डर गए हैं बुरी तरह से, डरना इस बात का समाधान नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक चीज, और इस बात की जानकारी रखें कि सब छूने से पट रहा है, इसीलिए हम हाथ धोने की प्रक्रिया रखे हैं, सैनिटाइजर की रखे हैं और दूर की चीज रख रहे हैं। लेकिन जहां पर कौन आदमी संक्रमित है ये तो हमको पता भी नहीं है। तो अगर पता नहीं है तो आप किस हद तक डिस्टेंसिंग रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज के दिन में ऐसा लग रहा है, इतना ज्यादा डरा दिया गया है कि मियां बीवी भी सटने के लिए तैयार नहीं है कि पहले कोरोना वायरस का प्रूफ लाइए तब हम आपको सटने देंगे। तो ये चीज भी नहीं हो कि इस तरह से डराया जाए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में गरीब एवं दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या गहरा गई है। ऐसे में उनकी मदद के लिए कई सामाजिक संगठन एवं युवा आगे आ रहे हैं। इसी को लेकर शनिवार को नगर निगम वार्ड संख्या 23 की पार्षद रश्मि रंजन के द्वारा वार्ड के सभी दैनिक मजदूर, गरीब एवं असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान पार्षद रश्मि रंजन ने वार्ड की जनता को जागरूक करते हुए कहा कि सरकार की गाइडलाइन का पूर्णता पालन कर कोरोना को हराया जा सकता है। उन्होंने सभी को एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने एवं मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलने की बात कही। साथ ही पार्षद रश्मि रंजन ने वार्ड की जनता का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सभी जरूरतमंदों का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वार्ड में किसी गरीब को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। वार्ड नंबर 23 की वार्ड काउंसलर भी अभी हमारा भागलपुर ग्रीन जोन में था, सडनली हम चार पेशेंट मिलने की वजह से हम रेड जोन में आ गए। उस मद्देनजर को देखते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोगों को जो हमारे क्षेत्र में आवश्यक लोग हैं, जो लोग द्वितीय जरूरतमंद हैं, उनको मैं राहत सामग्री वो निकले ना, उन्हें अनावश्यक परेशानी ना हो, उनको लॉकडाउन का जो स्थिति है उसको मेंटेन करके ना, उस स्थिति को देखते हुए मैंने कोशिश की है कुछ लोगों को राहत सामग्री देने की। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर सात सूत्री मांग को लेकर रालोसपा कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास किया। कोरोना संकट में बिहार सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए रालोसपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शनिवार को अपने अपने घरों के समीप सांकेतिक उपवास किया। इसको लेकर रालोसपा नेता नयन सिंह नटवर ने कहा कि राज्य में गरीब एवं असहाय लोग भुखमरी से परेशान हैं और सरकार केवल लंबी लंबी बातें करती है। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर फंसे छात्रों की जांच कर बिहार लाने का प्रबंध होना चाहिए और दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा एवं सुविधा का उचित इंतजाम किया जाए।